हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेशल किचन 9 में। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये भिंडी की सब्जी, जो काफी मैंने सिंपल तरीके से बनाई है। इसके लिए मैंने कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं। 5 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है इसमें। ये मेरे चम्मच है छोटे से, उससे तेल अच्छे से गर्म होने दे दोस्तों। ये भिंडी मैंने 250 ग्राम लिए हैं, ऐसे मैंने काट लिए हैं, और लगभग 2 प्याज लिए हैं। दोनों साथ में डालें और अच्छी तरह से इसे मिलाएं। वैसे तो भिंडी सारे को पसंद नहीं आती है, लेकिन ये आपको जरूर पसंद आएगी। ये अच्छी तरह से भून गए हैं दोस्तों मेरे। ये अच्छी तरह से आप भूनें। भिंडी और प्याज लगभग मेरे 70% भून गए हैं। अब मैं इसमें 2 चम्मच लहसुन के पेस्ट डालूंगी, जो पहले ही मैंने पीस लिए थे। 1 चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक है, और 1 लाल मिर्च है जो मैंने लंबे आकार में काट ली थी। फिर अच्छी तरह से मिलाएं दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मैंने नमक डाला है स्वाद अनुसार। फिर अच्छी तरह से मिलाएं आप। हल्दी लिए हैं मैंने लगभग 1/2 चम्मच। 2 चम्मच जीरा पाउडर लिए हैं, जो पहले ही मैंने पीस लिए थे। 1 चम्मच धनिया पाउडर लिए हैं। जीरे पाउडर की मात्रा ज़्यादा रखें दोस्तों, और धनिया की कम। 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च भी डाले हैं इसमें। लगभग 1 चम्मच मेरे लाल मिर्च जाएंगे। आप तीखा का अनुसार आप डाल सकते हैं। फिर हल्के से पानी डालें, क्योंकि मैंने इसमें सूखे मसाले मिलाए थे। फिर अच्छी तरह से मिलाया। ये कुछ देर भूने आप अच्छी तरह से। ये तेल आपके अलग हो जाएंगे, मसाले आपके अलग हो जाएंगे, और हल्के हाथों से भूने। बार बार इसे ना चलाएं, ताकि ये भिंडी आपकी टूटे ना। भिंडी और प्याज साथ में भुनने से इसका स्वाद काफी अच्छा आएगा दोस्तों। इसे ढक के ना भुने दोस्तों, नहीं तो ये टूट जाएंगे हमारे भिंडी। पानी भी हल्का डालें आप। अब मैं इसे 5 मिनट ढक के पकाऊंगी मीडियम हीट पे। ये हमारे भिंडी दोस्तों तैयार हो चुके हैं। कैसी लगी ये आपको रेसिपी, हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू। ये हमारे भिंडी भी पूरे गल चुके हैं। ये से आप रोटी या चावल के साथ